हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं और आप लोग कोई नई टैब में आप लोग कुछ काम करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप लोग उस टैब को आप लोग मिनिमाइज़ करके आप लोग दूसरी टैब में ओपन करके आप लोग कुछ काम करने लगते हैं और इसके बाद आप लोग फिर वापस से उसी टैब को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो क्रोम ब्राउज़र है वो रीलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आप लोग का जो काम होता है वो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है, आपका काम यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग को बार बार आती है और इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग फिक्स करना चाहते हैं तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि अगर आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी काम करते हैं और आप लोग दूसरा टैब ओपन करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है ओल्ड टैब ऐप ओपन करते हैं तो आपका जो ओल्ड टैब है वो ओपन नहीं होता है, रीलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे चलिए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल क्लास के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट मिलेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाइए और यहाँ तो यहाँ पे मिलेगा आप लोग को हिस्ट्री। हिस्ट्री पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कुछ सर्च किया होगा वो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा। तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का मिलेगा ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डेटा और यहाँ पे मिलेगा कैच इमेज एंड फाइल्स। तो ये आप लोग को जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आप लोग को क्लियर जो है डेटा पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद देख सकते हैं इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है इसी तरह। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग बैक हो जाइए। अब यहाँ पे आप लोग को जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के फ़ोन में सेटिंग मिल जाती है तो सेटिंग में चले जाइए। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आपके जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो किस ऑप्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिलेगा सिस्टम ऐप्स, मैनेज ऐप्स। तो मैनेज ऐप्स पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब गाइस यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स इंस्टॉल होंगे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लेना, ये रहा क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिलेगा स्टोरेज, स्टोरेज पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए और इसका जो है टोटल ऐप साइज, यूज़र डेटा और ये मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा क्लियर डेटा, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद मैनेज स्पेस रहेगा, यहाँ पे आप लोग आइए और यहाँ पे मिलेगा फ्री स्पेस, मैनेज स्पेस और क्लियर ऑल डेटा। यहाँ पे आप लोग इसका जो है ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इसका डेटा जो है ऑल क्लियर करने के बाद फिर से आप लोग जाएंगे और इसकी कैच क्लियर है, इसको भी आप लोग इसकी कैच भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप लोग जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद यहाँ पे आप लोग जाइए अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च बार में टाइप करना होगा क्रोम, ठीक है, नॉर्मली टाइप कर दीजिए क्रोम। क्रोम टाइप करके सर्च कर दीजिए और आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करना होगा, आप लोगों का क्रोम ब्राउज़र अपडेट कर लेना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अब अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। अब ये आप लोग का जो है यहाँ पे क्रोम आप लोग जैसे इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एस्पेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन आप लोग क्लिक कर दीजिए, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और यस आई एम फैन, तो आप लोग यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग का क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग कोई भी काम करेंगे और आप लोग कोई दूसरा टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इस टैब में हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपना हिंदी जानकारी ऑनलाइन, टाइप करके यहाँ पे सर्च कर दूँगा और ये हिंदी जानकारी ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं यूट्यूब ओपन करूँगा। यहाँ पे YouTube ओपन हो चुका है। अब मैं ओल्ड जो है यहाँ पे टैब में जाऊँगा तो मेरा जो यहाँ पे टैब है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मैं चाहे इतने यहाँ पे कितना भी टाइम दे दूँ, 2 मिनट 3 मिनट, तो हमारा जो टैब है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र की रीलोड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर ना आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।